ऐसे संत कबीर गुरु हरे जीव की सोल, हरे जीव की सोल। विश्व वंदनी युग दृष्टा महामानव बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहेब विराजमान पूज्यवर सदगुरु देव जी मुद मंगलमय संत समाज श्रद्धालु भक्त सज्जन माता एवं देवियों तथा इस वसुंधरा के खिले हुए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आइए यह प्रार्थना पद आप सबके श्री चरणों में सादर समर्पित है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने ही मतलब की कह कर, संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने ही मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ए दिन अभी तक यों ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने
क्या क्या कराए कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे नाथ हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक एक आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक एक आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या कराए कुछ बन न पाया मेरे बनाए। बोलिए सतगुरु देव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। पूज्यवर के आज्ञा अनुसार कुछ देर आप सबके बीच निवेदन प्रस्तुत है। सतगुरु कबीर साहेब की एक बहुत ही प्रसिद्ध साखी है, यहाँ ही संभल कर ले आगे बिसी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। सतगुरु श्री कबीर साहेब हम जैसे मानव समाज को बहुत ही कल्याण के रास्ता बतलाने के लिए सरल उपाय बतलाते हैं। सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि यहाँ ही संभल कर ले। यहाँ ही का मतलब इस मनुष्य जन्म में। संभल करना क्या है? परलोक के लिए कुछ कमाई। संभल कहते हैं जैसे कोई आदमी कोई पिकनिक में जाता है या कोई यात्रा में जाता है, टूर में जाता है, तो अपने कुछ रास्ता के खर्चा इकट्ठा करता है, उसको संभल कहते हैं। जब आदमी 8 दिन 15 दिन के लिए टूर में जाता है तो 1 सप्ताह तक तैयारी करता है, क्या सामान ले जाना है, कितना कपड़ा ले जाना है, कितना रुपए पैसा ले करके जाना है। परंतु हम लोग सदा सदा के लिए जब दुनिया से जाते हैं तो कोई तैयारी नहीं, इतनी हम लोग असावधान रहते हैं। ऐसे हम जैसे असावधान लोगों को सावधान कराने के लिए सतगुरु कबीर साहेब इस साखी में सावधानी देते हैं कि यहाँ ही संभल कर ले। इसी जीवन में सेवा साधना भजन भक्ति दान पुण्य व्रत उपवास यही परलोक के लिए कमाई है, और जीव के साथ में यही सब जाता है, ये हमारे लिए असली धन है। परंतु हम लोग बिना सदगुरु के बिना सदज्ञान के असली धन को नहीं जान पाते हैं और नकली धन के लिए पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। नकली धन क्या है? घर परिवार रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जायदाद। शरीर है तो इसके लिए ये भी जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, फिर भी इतना ही में सीमित रह जाना ये हम लोगों की कोई विशेष सावधानी नहीं है, क्योंकि ये जितने धन है वो नकली धन है और इसके बहुत हिस्सेदार है, बहुत लूटने वाले भी हैं। परंतु असली धन क्या है? सेवा साधना ज्ञान भक्ति उपासना, ये असली धन है। इसको तो सतगुरु श्री विशाल साहेब जी ने कहा है कि यह धन खोवे नहीं कछु, चोर सके नहीं लूट, और बांट सके नहीं आही को, जल्दी गहो अटूट। सदगुरु कहते हैं कि ये जो ज्ञान रूपी धन सेवा रूपी धन है इसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है, भाई भी बंटवारा नहीं ले सकता है, राजा भी छापा नहीं मरवा सकता है, ऐसे ये धन है। लेकिन इस धन को बिना सदगुरु के शरण में जाए हमको ज्ञान नहीं होता है, मालूम नहीं होता है। और जो धन इसी जीवन में देखते देखते लोग परिवार के लोग लूट लेते हैं और यह धन कहीं भी खोया जा सकता है, उस धन को हम
कमाई उसी की कमाई में लगे हुए हैं, परंतु सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाने से ये निज स्वरूप का बोध होता है जो कभी हमसे छूटने वाला नहीं है, ये अटूट धन है। और इसकी बिना जानकारी के हम कमाई कैसे करेंगे? तो सद्गुरु कहते हैं कि यहाँ ही संबल कर ले, इसी मानव जीवन में इसकी कमाई कर ले, संबल कर लो, इकट्ठा कर लो। आगे विषयी बात, यह मानव का जीवन जब बीत जाएगा, हम कोई सेवा भजन भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो पता नहीं आगे हमको कहाँ जाना पड़ जाएगा, किस खाने में जाना पड़ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पता नहीं अजीव कर्म वासना के बस मानवेतर खानी में भी चला जाएगा, घोड़ा गधा कुत्ता भैंस बैल उस खाने में भजन भक्ति कहाँ बन पाता है। अगर शेर का भी शरीर मिल जाएगा तो भी भजन भक्ति नहीं हो पाएगा, हाथी का भी शरीर मिल जाएगा तो वहाँ भी भजन भक्ति नहीं हो पाएगा। इसलिए इस धरती तल के सिरमौर प्राणी इंसान है। इंसान के अलावा जितने भी प्राणी है वो सब इंसान के सामने सिर झुकाते हैं। शेर को भी नचाने वाला इंसान है, सर्प को भी नचाने वाला इंसान है, हाथी को भी उठ कहो तो उठना पड़ता है, बैठ कहो तो बैठना पड़ता है। इतना सर्वशक्तिमान ये मानव जीवन में हमको शक्ति मिली हुई है, केवल बिना विवेक के बिना बोध के हम इस शक्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं, और ये जो वरदान मिला हुआ है ये अभिश्राप के रूप में बदल जाता है। केवल यही ज्ञान भक्ति की पूंजी इकट्ठा नहीं करने के कारण मानव जीवन पाकर के भी मानव जीवन के बाद हमको आगे फिर मानवेतर खानी में वही नरक है, वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ असहनीय दुख भोगना पड़ता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ ही संभल कर ले आगे विषय बाट। आगे जीवन की आशा अगर हम रखते हैं तो महाभूल है, पता नहीं इस जीवन के बाद किस खाने में जाना पड़ जाएगा। इसलिए जो आज वर्तमान में समय मिला हुआ है इसमें अपना कल्याण का काम हमको करना चाहिए। स्वर्ग भी साहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। आदमी स्वर्ग की बहुत कल्पना करते हैं, आज के युग में ऐसे ऐसे भी गुरु लोग हैं, ऐसे ऐसे भी गुरुवा लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग भी आचार्य हैं, पंडित हैं, जो यहाँ स्वर्ग की झांसा दे करके और आदमी को बहुत भटका दिया है कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए, सत्यनारायण की कथा करवा लो, गंगा स्नान करा लो, गीता रामायण के पाठ करा लो, उसके बाद चाहे कुछ भी कर्म धर्म जैसा भी हो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, इतना हम लोगों को भटका देता है। परंतु ये महाभूल है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, और कहाँ ही कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। ये सब भूल को मिटाने वाले हमारे विवेकी पारखी वैराग्यवान संत गुरुजन हैं। इसके सानिध्य में जाने से ही हमारे मन का अज्ञान मिट सकता है, हमारे जन्मों जन्म जन्मांतर की भूल मिट सकती है। परंतु आज आदमी ऐसे संत गुरुजनों के पास में जाना नहीं चाहते हैं, बहुत कठिन समझते हैं। और आज आदमी को सब चीज महंगा चाहिए, केवल दो चीज सस्ता चाहिए। महंगा के लिए आज आदमी कितना बढ़िया बेशकीमती कपड़ा खरीदते हैं, साड़ी पहनते हैं, पेंट शर्ट पहनते हैं, मोबाइल तो और सबसे ज्यादा महंगा चाहिए आज के आदमी को। वाहन भी आने जाने के लिए साधन कितनी महंगा रखते हैं, परंतु सदगुरु और भगवान को बिल्कुल सस्ता देखते हैं। ऐसे हमको सदगुरु मिल जाए, एक नारियल और एक रुपया दे करके हम उसके बंदगी भेंट कर ले, गुरुजी से नाता रिश्ता जोड़ ले और हमको सीधा कल्याण का रास्ता बतला दे, इतना सदगुरु सस्ता चाहिए आज के आदमी को। और भगवान ऐसे भगवान चाहिए, एक लोटा पानी धर के जाए और 50 भगवान को स्नान करा दे, ऐसे भगवान की जरूरत आज के युग में है। जबकि आज का युग शिक्षा का युग है, विज्ञान का युग है, लेकिन फिर भी आदमी कितना भटका हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ ही मुहावरा है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। जो आदमी सस्ता के चक्कर में पड़ेगा उसका कल्याण नहीं होगा और उसको जन्म जन्म तक रोना पड़ेगा। परंतु जो साधना का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, ज्ञान वैराग्य का मार्ग है, ये थोड़ा कठिन तो है, महंगा तो है, परंतु इसी में कल्याण संभव है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहेब की यह साखी बहुत ही प्रसिद्ध है कि यहाँ ही संभल कर ले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। आदमी मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करता है, परंतु वहाँ न कोई बनिया है, न कोई व्यापारी है, न कोई हाट है, न बाजार है। जहाँ स्वर्ग के लिए हम जितनी कल्पना सुने रहते हैं वो सब निरर्थक हो जाता है। तो स्वर्ग क्या है? इसी वर्तमान जीवन में स्वर्ग है,
जिस घर में आदमी आपस में प्रेम से व्यवहार से रहता है, एक दूसरे से बैर विरोध को छोड़ करके और प्रेम का जीवन जीता है, वही घर स्वर्ग है। और जिस घर में तू तू मैं है, सास बहू में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, अड़ोसी पड़ोसी में, जब देखो तहां राग द्वेष है, तो आज भी वही घर नरक है। स्वर्ग और नरक की कल्पना आकाश में करते हैं, परंतु आकाश में कहीं स्वर्ग नहीं है ना नरक नहीं है, इसी धरती तल में स्वर्ग और नरक है। भव में न वैभव प्राप्त कराने आया, नरको ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। एक राष्ट्र कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उनका ये संदेश है कि मैं इस धरती तल के इंसान को एक नया वैभव, नई संपत्ति देने के लिए संदेश देने आया हूँ। और नई संपत्ति क्या है? सेवा साधना भजन भक्ति करके अपने निज स्वरूप को जानना। आदमी अपने निज स्वरूप को जानने के कारण बहुत भटका हुआ है। मैं संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, कभी कहता है कि मैं ऊपर में स्वर्ग है, वहाँ का संदेश लेकर के नहीं आया हूँ, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ, इस धरती में ही स्वर्ग है। लेकिन आदमी अपने आप को अच्छा इंसान नहीं बना सकता है। आज के आदमी सब कुछ बन रहा है लेकिन इंसान नहीं बन रहा है, सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के जमाने में, मगर क्या गजब होता है कि आज आदमी आदमी नहीं बनता है। आदमी सब कुछ बन रहा है, सरपंच बन रहा है, विधायक बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, लेकिन आज आदमी आदमी नहीं बनता है। आदमी की परिभाषा क्या है? आदमी की परिभाषा यही है कि वह भक्ति करके, सेवा करके, संत गुरुजनों के सानिध्य प्राप्त करके और अपने आप को जाने, अपने स्वरूप स्थिति को पहचाने, ये इंसान का परम लक्ष्य और परम उद्देश्य है। और इसी के कारण आज आदमी भटका हुआ है। तो मैं पूज्यवर के आज्ञा अनुसार कुछ देर आप सबके बीच निवेदन किया।